हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, हमारे देश भारत में हिंदुओं के दो बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, पहला दीपावली और दूसरा होली। दीपावली पर अमावस्या की रात होती है और अमावस्या की रात तो वैसे भी तंत्र मंत्र के लिए सिद्ध मानी जाती है, तांत्रिकों की रात होती है, लेकिन पूर्णिमा की रात भी तंत्र मंत्र के लिए किसी भी प्रकार से कम नहीं मानी जाती है, खासकर होली की रात, क्योंकि होली की रात पूर्णिमा की रात होती है। प्राचीन काल से, पुराने समय से होली और होली से पहले कई प्रकार के उपाय, जिन्हें हम टोटके कहते हैं, किए जाते रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको होली से पहले करने वाले कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप निश्चित तौर पर, यदि पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप धन प्राप्ति कर सकते हैं और भी काफी समस्याओं का समाधान इन उपायों से किए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उन उपायों के बारे में जो खासकर होली से पहले किए जाते हैं। होली के दौरान धन वृद्धि के लिए, रोग नाश के लिए, शीघ्र विवाह के लिए या फिर वास्तु दोषों से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको होली से पहले एक विशेष टोटका क्या करना है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है और ये बात सच भी है। हालांकि आज का समय बदल गया है, अब महिलाएं घर और ऑफिस दोनों संभालती है, परंतु फिर भी महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। तो जिस घर में महिलाएं कुछ बातों का विशेष ध्यान रखती है, उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी अवश्य प्रवेश करती है और उस घर में कभी कलेश नहीं होता है, कभी झगड़े नहीं होते हैं और ऐसा घर हमेशा सुख और शांति से, संपत्ति से भरा होता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको भी रख, सबसे पहली बात तो है कि घर की महिलाओं से आपको कभी झगड़ा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, बल्कि पूरे मन से हर चीज का आनंद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं अवश्य दूर होने लगेगी। झगड़ा करने से, महिलाओं पर चिढ़ने से, गुस्सा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है, अप्रसन्न होती है। इसके अलावा लगातार झगड़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और घर में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है। और इस बात का महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी हालत में उनके घर में झगड़े ना हो, कलेश ना हो। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, इस होली से पहले आप प्रण लीजिए कि घर में झगड़ा नहीं होगा, कलेश नहीं होगी, किसी भी प्रकार का नकारात्मक कार्य नहीं होगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे उपयुक्त समय दीपावली और होली मानी जाती है। इसके अलावा आपको खाना बनाते समय सबसे पहले एक प्लेट में एक रोटी निकालनी है और थोड़ी सब्जी निकालनी है और सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, भगवान को भोग लगाने से पहले किसी को भी खाना नहीं खाने दें और जो आपने भोग लगाया है भगवान के, उस रोटी को, उस सब्जी को आपके घर के बाहर जो पहली गाय आपको नजर आए उसे आपको खिलाना है। तो सबसे पहले भोजन भगवान को अर्पित करना है, भोग लगाना है, उसके बाद आपको खाना है। देखिए, ऐसा करके देखिए, ऐसा करने पर आपके जीवन में, आपके परिवार में निश्चित ही आपको बदलाव दिखाई देगा। घर में प्यार बढ़ेगा, सुख शांति बढ़ेगी, सकारात्मकता का संचार होगा। इसके अलावा यदि आपके घर में बेवजह ही परेशानियां आ रही है, असफलता का सामना करना पड़ रहा है, जीवन में काफ़ी तनाव है, तो आपको एक उपाय करना है होली से पहले। डोरमेट यानी पायदान, आपके जो मुख्य द्वार पर जो पायदान रखा है और कमरों के बाहर, घर में कहीं भी जहाँ जहाँ आपको पायदान का इस्तेमाल करना है, अंदर और बाहर जो पायदान आप इस्तेमाल करते हैं, उस पायदान के नीचे आपको फिटकरी का पाउडर मिलाकर रख देना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटी सी पोटली में फिटकरी का पाउडर लेंगे और उस पोटली को पायदान के नीचे रख सकते हैं। बहुत थोड़ा सा पाउडर लेंगे तो भी चलेगा। पोटली का मतलब ऐसा गोल पोटली नहीं, चपटी सी थोड़ी सी बना लें आप, थोड़ा सा किसी कपड़े के अंदर या फिर वैसे भी रख सकते हैं। तो फिटकरी का पाउडर आपको रखना है पायदान के नीचे और ये पोटली
या फिटकरी का पाउडर बिल्कुल पायदान के सेंटर में होना चाहिए। इस तरह से रखें आप। इससे क्या होगा, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी। होली के दिन इस पोटली को आप निकालें और इसे लेकर जाना है आपको होलिका दहन वाले स्थान पर। वहां आपको इस पोटली को फेंक कर आना है और पायदान के नीचे दूसरी पोटली रख देनी है। होलिका दहन के समय जो दूसरी पोटली आप रखेंगे वह भी आपको लेकर जानी है होलिका दहन के समय वहां पर, और उसे होलिका दहन की अग्नि पर आपको 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाकर और फिर लाकर आपको पायदान के नीचे रख देना है। और कोशिश करिए कि ये फिटकरी का पाउडर पूरे वर्ष पायदान के नीचे रहे। अगर आपको लगता है कि पूरे वर्ष नहीं चलेगी तो आप 3-4 पोटलियाँ तैयार कर लीजिए और होलिका दहन के समय उसे अभिमंत्रित कर लीजिए और उन्हें आप बदल सकते हैं। लेकिन पुरानी पोटली को आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करके आना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा होली के दिन और भी कई ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए घर में नियमित रूप से नमक का पोछा लगाएं। जो पोछा आप लगाते हैं सफाई के बाद में, उसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक मिला दें। इसके अलावा होली के दिन काली हल्दी के उपाय भी किए जाते हैं, और भी काफ़ी उपाय किए जाते हैं। उन उपायों के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे यदि आप चाहेंगे तो। यदि आप होलिका दहन वाले दिन क्या क्या उपाय किए जाते हैं इसकी जानकारी चाहते हैं तो अपने कमेंट कीजिए, हम जरूर उसके उपाय आपसे शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।